हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, आप लोगों को लेके उनकी क्या हिडन फीलिंग्स हैं, उनके क्या हिडन इमोशंस हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। चाहे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, चाहे आप लोगों का लीस्ट कॉन्टैक्ट है, चाहे आप लोगों का कॉन्टैक्ट है अभी, तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। जो भी एनर्जी आएगी डेफिनेटली मैं जो यहाँ पर पिक करूँगी वो आपको बता दूँगी, ठीक है। सो गाइस, बेसिकली दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग। जितना आपसे रेजोनेट होगा इतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग को आप लोगों ने जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है, अपनी पर्सनल रीडिंग कंसीडर नहीं करना, ओके। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे इंस्टा पे मिलेगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड जस्ट स्प्रेड इट, ठीक है। ये जो रीडिंग है ये दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, स्प्रेड करें, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी कोई पॉजिटिविटी दिख सके, ठीक है। बिकॉज ये भी एक आप लोगों की चैरिटी ही होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपने करना ये है कि इस वीडियो को जो है आप लोगों ने लाइक करना है, ताकि एनर्जीज रीडिंग की आपके साथ एक्सचेंज हो सके। अपने पर्सन पर फोकस करना है और पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने, ठीक है। कोई भी जेंडर है, कोई भी स्टार साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, अपने एक्स के लिए देखना चाहते हो, अपने हस्बैंड, वाइफ, अपना कोई फ्रेंड है आपका, किसी के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हो, जो पर्सन आपके माइंड में है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस क्या हैं, जिनके बारे में आप लोग इस टाइम जानना चाहते हैं। सो लेट्स सी हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो गाइस, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिविटी, नंबर 3 लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है किसी तरह से आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव ऑर्डिनेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 38 इनकी अपनी एज हो सकती है। क्या फीलिंग्स हैं, डेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फीवर्स के पार्टनर्स। एंड देन वी हैव हीलिंग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की यहाँ पे एनर्जी है। देन वी हैव क्लिंग टू द पास्ट, ये अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। 35 इनकी एज हो सकती है। यस, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस फीवर्स के पार्टनर्स के हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। ओके, देन वी हैव कंप्लीशन, 21 सैगिटेरियस, स्टार साइन हो सकता है इनका। एंड देन वी हैव फाइटिंग, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वन मोर कार्ड, ओके। एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन, सैगिटेरियस, बोथ द स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस, नंबर 2 कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पास लाइव्स, 17, ओके। मून, कैंसर स्टार साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी तरह से आप लोगों के लिए। नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, नंबर 21, इस पर्सन की एज 20 प्लस या 30 प्लस मुझे दिख रही है यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 23, 28, 25, 21, ये एज मुझे दिख रही है। अदरवाइज 30 प्लस ये पर्सन की एज है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17, यस, 28 हो सकता है, 25, 21, ये डेट ऑफ बर्थ है। ओके, क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, वो ये आ रही है कि गाइस यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने फ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आप लोग अपने लवर के लिए देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये पर्सन। लेकिन जो यहाँ एनर्जी आ रही है मैंने आप लोगों को वो कन्वे करनी है, ठीक है। इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये पर्सन जो है अपने पास से बाहर नहीं आ पा रहा। ये पर्सन पास्ट में है, आप लोगों का पास्ट में जो कनेक्शन था, पास्ट में जो भी सिचुएशंस थी, उस चीज़ का एक बर्डन इस पर्सन के ऊपर है। आई फील लाइक ये पर्सन अपने आप को किसी ना किसी तरह से ब्लेम कर रहा है। मे बी इस पर्सन की अपनी सारी गलती थी जो इसने आपका कनेक्शन ख़त्म किया, आपको छोड़ दिया,
आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया, ये भी सिचुएशन हो सकती है, बट रिजेक्शन से ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपसे छोड़ के आप लोगों को आगे बढ़ गया है। ब्रेकअप इस पर्सन ने खुद किया और उस चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के दबाव में है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन अब आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पहले ये पर्सन आप लोगों के साथ लड़ते थे, बट अब ये पर्सन आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, अब ये आपके लिए लड़ना चाहता है। ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक ये एक अब फाइटर की तरह इसको काम लेना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके साथ अगर कनेक्शन बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स टू रीयूनियन विद यू। ठीक है ना, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन हो, दोबारा से आप लोगों के दरमियान वही प्यार, वही मोहब्बत, वही लव, वही रोमांस स्टार्ट हो, और ये पर्सन आपको एक अपनी लाइफ में मिसिंग पजल की तरह फील कर रहा है गाइज इस टाइम की। लाइक इस पर्सन को लगता है कि आपके बिना इस पर्सन की दुनिया टोटली इनकम्प्लीट है। दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ द मेजर आर्काना, वर्ल्ड की एनर्जी है ये, कि एक मिसिंग पजल हो आप लोग इस पर्सन की लाइफ में, जो आप लोगों के बिना इसकी लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती, और ना ही ये फील करेगा कभी कंप्लीट, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहता है। राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ अब हर चीज़ को बैलेंस आउट करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को हील कर सकते हो। आप लोगों के बिना ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा अनवर्दी फील कर रहा है, इसको लगता है जैसे इसके ज़िंदगी में रहने का कोई मकसद नहीं है, इस पर्सन की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि आई फील लाइक आप लोगों ने इस पर्सन को सारा आंखों पर बैठा के रखा, आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत वैल्यू दी, जो कि आप लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म करने के बाद इस पर्सन की, आप कह लो कि इसकी वैल्यू, मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो दो टके की भी इसकी वैल्यू इसको महसूस नहीं हो रही। ये अपने आप को इतना ज़्यादा ऑर्डिनेस का कार है यहाँ पे, इट मीन्स ये पर्सन अपने आप को इतना मामूली समझ रहा है कि ये पर्सन का होना ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इस पर्सन को इतना वैल्यू दी, इतनी आप लोगों ने इस पर्सन को इतना इज्जत दी है कि ये पर्सन अपने आप को पता नहीं क्या समझना स्टार्ट हो गया था, और जब आप लोगों को छोड़ा इस पर्सन ने, दोबारा इस पर्सन को अपनी वैल्यू समझ आ गई कि आप लोगों ने इसको वैल्यू दी हुई थी, आपकी वैल्यू के बिना ये ज़ीरो है। ठीक है ना, तो ये अब आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से। ठीक है, ताकि ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहता है थ्रू यू, क्योंकि आप लोग इस पर्सन के दिल को आप लोगों ने ओपन अप किया है। शायद हो सकता है ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं था जितना ज़्यादा आप लोगों ने इस पर्सन को इमोशनल किया अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी लव, अपनी केयर से। सो इस टाइम ये आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से बनाना चाहते हैं। ये पर्सन क्रिएटिव का कार्ड है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का, एम्प्रेस का कार्ड है, ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये पर्सन आपसे, ये चाहता है कि आपके साथ ग्रोथ हो, आपके साथ कनेक्शन बने, ताकि आगे जो है आपकी बात जो है यहाँ पे शादी तक पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन इस टाइम इस पर्सन को आपके साथ फील हो रहा है जैसे आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है और वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, अब अभी दोबारा से आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक टाइम ये पर्सन जो है वो स्पेंड करना चाहता है। मैं ये कार्ड लूँगी क्योंकि ये ऑल ओवर एनर्जी है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक की, एंड टॉप ऑफ द डेक है हमारे पास प्लेफुलनेस। यस, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं ताकि आप मिल के एक दूसरे के साथ जो है हैंग आउट करो, एक दूसरे के साथ चिल आउट करो, क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेस में मुझे दिख रहा है। तो हिडन बेसिकली इनकी फीलिंग्स यही है कि आपके साथ कनेक्शन को आगे लेकर जाया जाए, आपके साथ सब कुछ ठीक किया जाए। नाउ लेट्स मूव फर्दर, कुछ और देखते हैं क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके पर्सन के हिडन, जो आप लोगों को नहीं पता लेकिन वो बताना चाह रहे हैं। हारमनी नंबर सिक्स, लवर्स की एनर्जी है गाइस। नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है, 26-36 इनकी एज हो सकती है। ठीक से इस पर्सन का मुझे यहाँ पर दिख रहा हाउस नंबर वीनस जेमिनी इन वीनस हो सकता है, या वीनस इन जेमिनी है यहाँ पर इस पर्सन का बर्थ चार्ट में। यस, ये दैट्स वाई आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन फील कर रहे हैं, और ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड भी है। ये पर्सन एक यिन एंड यांग की एनर्जी फील कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लाइक चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं आप दोनों के दरमियान, सब कुछ जो है हार्मनी अच्छी बन जाए। आप लोगों को डेट करना चाहते हैं, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के ये पर्सन अपने लव को कन्फेस करना चाहता है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। एक वार्म्थ फील करना चाहते हैं ये आप लोगों के साथ। This is the major arcana, lovers energy. And then we have temptation. Yes guys, ये रात के टाइम मुझे दिख रहा है कि रात को ना इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेके हाई हो जाते हैं, जिसको लेके ये काफ़ी टेम्पटेड फील करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ जो एक रोमांटिक, एक सेक्चुअली, एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकली जो है ना कनेक्शन महसूस करते हैं, और ये रखना भी चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं यहाँ पर।
दिस पर्सन राइट नाउ फील्स कि ये एक पोजेसिवनेस इस पर्सन को आपको लेकर है, काफ़ी पोजेसिव हो रहा है ये पर्सन, आपकी एडिक्शन फील कर रहा है, आप अपने आप को खुद आप लोगों से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये यूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है रात को ये पर्सन अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, इसे होता नहीं है कंट्रोल, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हैं इनके आप लोगों को लेकर। ओके, देन वी हैव नंबर टू, ये नीचे भी टू की एनर्जी है, ये भी टू की एनर्जी है, डबल टू नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 यहाँ पे सिक्स नंबर है, ये भी सिक्स नंबर है, डबल सिक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 26 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है इस पर्सन की, एंड मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। राइट नाउ ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, ठीक है, इनको फील हो रहा है शायद आप इनको चूज़ नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी है, ठीक है, इसीलिए डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसको कंफर्म नहीं है कि आप लोगों की तरफ से क्या इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 20 ट्रूथ, ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये सच है किसी तरह से जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से इन्होंने छुपाया था, हो सकता है ये पर्सन आप लोगों के लिए जो फील कर रहा है इस टाइम वो आप लोगों को कभी बताया ही नहीं है और वो बताने के लिए बेचैन हो रहे हैं। 222 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 20 एज हो सकती है, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, सैगिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नीचे भी सैगिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो ये किस तरह का सच बोलना चाहते हैं आप लोगों के सामने, कन्फेस करना चाहते हैं आई फील लाइक ये पर्सन अपना लव जो आप लोगों के लिए इस टाइम महसूस कर रहा है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इसको भी कन्फर्मेशन नहीं है कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या आप लोग भी इनसे यूनियन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर ये आप तक आप लोगों का कोई फ्रेंड है तो ये फ्रेंडशिप से आगे कनेक्शन लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कुछ क्या फील कर रहे हैं, क्या हिडन इमोशंस एंड क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के इस पर्सन की, आप लोगों को लेकर जिनके लिए आप रीडिंग को देख लें, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, देन वी हैव फ्रेंडशिप, यस मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे भी आप देख लो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, ये पर्सन फ्रेंडशिप करना चाहता है आप लोगों के साथ, यस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऑब्वियसली फ्रेंडशिप होगी तो ये पर्सन ओपन अप भी होगा, आप लोगों को बता सकेगा जो ये पर्सन आपके लिए महसूस कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और फ्रेंड आपके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी फ्रेंडशिप की कदर हो गई, आप अवेयरनेस, यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप जान रहे हैं जो पहले नहीं जानता था। मैंने आपको बताया ना इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है, अगर आपके फ्रेंड भी हैं तो इनको आपकी वैल्यू हो रही है कि आप लोगों ने इस पर्सन को एक अच्छा जो है वो पोजीशन दी हुई थी, जो आप वैल्यू देते थे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, आपके बिना इस पर्सन को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, तो काफ़ी हद तक इस पर्सन को अवेयरनेस हो गई है और आप लोगों जैसा पर्सन चाहे वो फ्रेंडशिप की सूरत में हो, चाहे वो किसी पार्टनर की सूरत में हो, लवर की सूरत में हो, ये वैसा ही पर्सन चाहता है, ठीक है। पहले कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनको नहीं पता चली थी, लेकिन जब आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस आया है या नो कॉन्टेक्ट जोन आया है तो इनको हर चीज़ समझ आ रही है। ओके, लास्ट कार्ड मैं लूँगी, एंड देन वी हैव ग्रेटिट्यूड, यस ये पर्सन जो है ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता है यूनिवर्स को, शुक्र अदा करना चाहता है आप लोगों के साथ यूनियन करने के बाद यूनिवर्स को कि इस पर्सन ने आप लोगों को खोया नहीं है, बेसिकली कदर हो गई है टाइम से ही और आप लोगों का यूनियन हो गया, ये सिचुएशन है। गो विद द फ्लो, इस टाइम ये पर्सन गो विद द फ्लो जा रहे हैं, किसी चीज़ को भी फोर्स नहीं करना चाहते, जैसे आप लोग चाहोगे ये पर्सन एज इट इज़ वैसे ही आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। अब बोल आप लोगों के कोर्ट में है, आप लोगों की अपनी अब ये चॉइस है आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू गाइस, बस सोच समझ के करिएगा जो भी करेंगे आप लोग, ठीक है। ये फोर्स नहीं करेगा अभी ये पर्सन, क्योंकि इसे पता है कि फोर्स करके कोई भी चीज़ जो है वो कोई कनेक्शन रखा नहीं जाता, आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, इस पर्सन ने आप लोगों से कनेक्शन ख़त्म करना चाहा, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, चाहे हर्ट हुए लेकिन आपने बोला कुछ नहीं, अब ये पर्सन बिल्कुल भी आप लोगों को भी किसी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं करेगा। चलिए नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस ज़रूरी है जिसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। देन वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक है, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो आप समझते हो आपको सब कुछ पता, नो, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को लेकर आप कुछ भी चीज़ आप करना चाह रहे हो या किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके ताकि बाद में आपको किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो। देन वी हैव नो, अभी आपके लिए नो का जो है वो आंसर आ रहा है,
ठीक है, शायद अभी आप लोगों के लिए टाइम नहीं है या आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कम्युनिकेट क्लियरली। ये पहले भी कार्ड आया था कम्युनिकेट क्लियरली का, आई फील लाइक आप लोग कम्युनिकेट क्लियर करते नहीं हो किसी से भी, बार बार ये कार्ड आता है। तो जिसे भी बात करें उसे अपनी बात अच्छे से रखिए, अच्छे से समझाइए उसको अपनी बात, ठीक है ना, और जो बात है इजी वर्ड्स में बोलें ताकि अगले को समझ आ जाए। लेट गो की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। लेट गो करोगे किसी चीज़ को तो आगे पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, अदरवाइज आप लोगों के लिए चीज़ें सब रुकी रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।